और बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पर सिवनी लखना दौन के सिविल अस्पताल में मिले विक्की कहार हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। ये बात अलग है कि पुलिस के ऊपर बनाए गए दबाव के चलते पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत वार्ड बॉय संतोष दुर्वे को आरोपी बनाकर बाह-बाही लूटने की कोशिश की है। सिवनी लखना दौन के सिविल अस्पताल की छत पर 30 सितंबर को विक्की कहार का शव मिला था। शव को अस्पताल की छत पर ही वार्ड बॉय संतोष दुर्वे ने पहली दफा देखा था, जिसके बाद उसने मामले की घटना अस्पताल प्रबंधन को दी है, जिसके बाद मामले को विक्की के परिजनों से अवगत करवाया गया, जिसके बाद परिजनों के साथ सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे, न्याय की गुहार लगाते हुए इल्जाम लगाया था। हो जाता है तो आज इसलिए डरती है सब लोग बताने से, क्योंकि उसी को फंसाया जाता है कि कौन जिसने बताया उसी को फंसाया जाता है। उसने सिर्फ बताया बस है कि यहाँ पे लाज ले, और अकेले भी नहीं गया, वो सर दो तीन गार्डों को लेकर गया वहाँ पे और बताया, और सर डॉक्टर खुद गए थे वहाँ पे। तो फिर ये सब चीज कहाँ, और फिर वो कुत्ते वाला भी वो होगा ना, वो लेके जाते हैं जो वो उसमें सब रिपोर्ट तो होंगी, सारी रिपोर्ट नहीं, वो कह रहे थे आप करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी शांति व्यवस्था है बनाए रखे। अच्छा, अभी आपने जब पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था तो पुलिस ने आश्वासन दिया था करीब कि 15 दिन में हम कर लेंगे, 15 दिन के अंदर तो खुलासा हो जाएगा इस केस का। हाँ, मगर अभी आज 17 दिन हो गए, आज तक कोई